अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुंतज़िर मेहदी। आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 50वां व्लॉग है आज के दिन। इन परिंदों को देख के पता चल रहा है कि कितनी गर्मी है, जवानें बाहर आ चुकी हैं। ये दो चिड़ियाँ जो है ना वो फंस गई हैं यहाँ पे आके। ये तड़प रही हैं इधर उधर। तकरीबन इनको हो गया कोई टाइम हो गया काफ़ी, आधे एक घंटे से ये फंसी हुई हैं यहाँ पे। अब जालियाँ लगी हुई हैं, ये निकल नहीं पा रही हैं। तो अभी मैं ये करूँगा कि ये खिड़की खोल दूँगा मैं ये वाली, ताकि यहाँ से ये कहीं से बाहर निकल जाए। कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अंदर चला जाता हूँ ताकि खुद से बाहर आ जाए। जाओ भाई, खिड़की खुल गई। खिड़की नहीं दिख रही इनको तब भी। खिड़की नहीं दिख रही इनको। ओ गई 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 गई। भाई हमारा काम हो गया आज का। चिड़िया चली, पता नहीं कहाँ से घुसी है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी आई एम ट्यूशन से, मदर से थकावा, मतलब थकावट नहीं हो रही, पानी पी के बस थकावट खत्म हो गई। प्लान बना भूत वाला, ये नहीं बना रहे। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये देखो, ये कौन सी जगह है गेम खेलने की? शाही, ये कौन सी जगह है गेम खेलने की बेटा? मेरा सीक्रेट बेसमेंट है। सीक्रेट बेसमेंट? ये बेड के नीचे? बेड के नीचे कौन सा सीक्रेट बेसमेंट होता है? छुप के बैठा है ना? छुप के बैठा है भाई ये। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के डायलॉग्स काफी सारे डबिंग हुई भी मूवीज के अंदर या कार्टून्स के अंदर सुनाई देते हैं। मेरा नाम मुंतज़िर मेहदी है और मैं इस वक्त मतीहा के साथ खेल रहा हूँ। मैं इसको मोबाइल दे देता हूँ, ये लीजिए मोबाइल। तो दोस्तों आप कैसे हैं? इस वक्त मोहम्मद शाइक मेरी वीडियो बना रहा है। मतीहा इस वक्त क्या देख रही है? कार्टून्स देख रही है। ये तो ये भी बातें कर रही है। अच्छा दोस्तों, इमरान खान को बहुत मजा आ रहा है। आपने दुआ भी की है ना, सब कुछ कर लिया, तो इमरान खान को खुशी हो रही है बहुत। दोस्तों आप देख रहे हैं मुंतज़िर मेरी ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में ये हुआ है कि इमरान खान को पकड़ लिया था, तो इमरान खान को अब छोड़ दिया। तो हम लोग ने क्यों पकड़ा बताए? क्योंकि अब दुआ कर ली लोगों ने, तो इस बार इमरान खान को मतलब छोड़ दो, आवाम खुश है, अब घर चली गई ना। दोस्तों बड़ी अहम खबर आ चुकी है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जाहिर कर दिया कि जो अरेस्ट था वो गैर कानूनी था। बहुत खुशी का मौका है आवाम के लिए, जो आवाम सड़कों पे आ गई थी और रैलियां निकाल रही थी, अफरा तफरी का माहौल हुआ हुआ था। तो अब अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, बस जितने भी लोग आवाम जो बाहर आई हुई थी उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अल्लाह ने उनकी सुन ली है। काफ़ी सारे लोग दुआ कर रहे थे कि इमरान खान रिलीज हो जाए। सल्ला ही खैर करे, आगे देखते हैं क्या होता है मामला मुल्क का। दारा बहुत रो रही है अभी, क्या कर, पापा फीडर बनाने में लगा हुआ है। देख
नोबिता देख रहे हैं भाई। फीडर भी बनाना पड़ता है भैया, फीडर मदिया के लिए। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे 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 अच्छा दोस्तों, ये पिज्जा आदि स्वर्ग लेकर आए क्योंकि इमरान खान को छोड़ दिया। इस वक्त पिज्जा मिला है। अच्छा भाई खोल दो। हाँ गिर जाएगा। इधर आ जाओ। ओ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आज का दिन भी गुजर गया खैर खैरियत से। बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बयानात आए सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ से, और नया दत्त आए जज की तरफ से। बड़ी अच्छी खूब नया दत्त मौकफ आए हैं मुल्क के हवाले से और जजमेंट के हवाले से। तो अल्लाह खैर करे भाई, इलेक्शन की इलेक्शन का ऐलान तो किया है लेकिन देखते हैं अब के इलेक्शन होते हैं या नहीं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।